हेलो हाय गाइस। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कोई भी वेब एप्लीकेशन या जो वेब एप्लीकेशन होता है उसमें पूछा जाता है कि कॉन्करेंट यूज़र एंड ऑपरेशनल यूज़र कितने होंगे। जैसे कि ऑपरेशनल यूज़र इन द सेंस कितने मैक्सिमम यूज़र्स होंगे उस वेब एप्लीकेशन का और कितने कॉन्करेंट यूज़र होंगे, मीन्स कितने कॉन्करेंट यूज़र कनेक्टेड रहेंगे टाइम टू टाइम। सो इस केस में क्या होता है कि जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम अपना मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलते हैं। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन इन द केस कि रनिंग द वेब सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन, उसका मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलते हैं। और टाइम टू टाइम भी मतलब कि हम परचेज करते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर परचेज करते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन को होस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद जब यूज़र बढ़ते हैं, यूज़र जैसे इंक्रीज होते हैं, तो उस केस में एप्लीकेशन को बोलते हैं कि स्लो होने लगा। लेकिन मे बी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उस एप्लीकेशन जहाँ पे होस्ट किया हुआ है, वो भी एक स्लोनेस का बहुत बड़ा कारण बनता है। स्लोनेस का और भी कारण हो सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज नहीं हो या डेटाबेस से जो ऑपरेशन हो रहे हैं, कर्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो, तो ये बहुत सारे स्लोनेस के रीज़न हैं। बट एक रीज़न उसमें सर्वर पे जो लोड हो रहा है, जो जो वेब सर्वर पे लोड गिर रहा है उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो हम लोग एक टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइव साइट को पुश करने से पहले उसका एक लोड टेस्ट किया जा सकता है सिमुलेटेड यूज़र का। जैसे कि कितना यूज़र को, मतलब मेरा कि कितना यूज़र जो है वो कॉन्करेंट कनेक्ट रहेगा और कितना यूज़र मैक्सिमम कितना यूज़र तक हैंडल कर सकता है, जो वेब एप्लीकेशन है या जहाँ पे होस्ट किया हुआ है वहाँ कितना यूज़र हैंडल किया जा सकता है। तो उसके लिए एक ओपन सोर्स टूल है, लॉक्स। तो इसका यूज करके हम उसका लोड टेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे ही यूज़र को सिमुलेट कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम यूज़र अगर हम रन करते हैं तो मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल रन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 500 यूज़र पे सिमुलेट कर रहे हैं, 500 कॉन्करेंट यूज़र पे, जिसमें रिक्वेस्ट पर सेकेंड RPS जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिक्वेस्ट पर सेकेंड 24 टू 30 जा रहा है पर सेकेंड, जिसमें से फेलुअर रेट 60% शो कर रहा है। फेलुअर रेट मीन्स 60% ऑफ द रिक्वेस्ट आर बीइंग फेल्ड। अगर इसका स्टैटिस्टिक देखें तो यहाँ पे हम दो URL पे सिमुलेट कर रहे हैं, एक है ब्लॉग्स और एक है गिट वर्सन रेपोज। इस दो URL पे हम सिमुलेट कर रहे हैं, टोटल रिक्वेस्ट कितने गए हैं, फेल रिक्वेस्ट कितने हुए, यानी कि 7000 रिक्वेस्ट में 4000 फेल हो चुके हैं। एंड गिट वर्सन रेपो पे 7000 प्लस रिक्वेस्ट पे 4000 के यहाँ फेल हो चुके हैं। तो एक शो कर रहा है कि जो रिक्वेस्ट फेलुअर रेट है वो बहुत ज़्यादा है, आइदर कहीं पे ब्लॉकेज हो रहा है या कहीं पे उस रिक्वेस्ट को फिल्टर फिल्टर आउट कर लिया जाए। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेनू है। मैं इसका क्या फ्लो है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसको रन किया जाता है, मैं उन सबके बारे में बात करूँगा। आगे देखते हैं, ये स्टेटिस्टिक्स शो कर रहा है जहाँ पे रिक्वेस्ट चल रहा है, फेलोअर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मीडियन यहाँ पे शो कर रहा है कितना MS पर सेकेंड, कितना माइक्रो सेकेंड ले रहे हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जो यहाँ पे आपको डेटा रिप्रेजेंट्स करते हैं। उसके आगे आते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स जो हैं वो शो करेंगे टोटल रिक्वेस्ट पर सेकंड कितना जा रहा है, जो रेड सिग्नल दे रहा है, जो रेड सिग्नल है वो एक्चुअली फेलुअर्स पर सेकंड है, फेलुअर पर सेकंड कि कितना फेल कर रहा है रिक्वेस्ट। एंड ये जो है रिक्वेस्ट पर सेकेंड है ग्रीन, ग्रीन सिग्नल जो इंडिकेट कर रहा है रिक्वेस्ट पर सेकंड जा रहा है। तो मैक्सिमम मेरा रिक्वेस्ट पर सेकंड हाईएस्ट गया है 60।
अभी आते हैं, एक और सेक्शन देता है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम है जो मतलब कि एक रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए, जो बैकिंग वो रन हो रहा है, सर्व करने में कितना टाइम ले रहा है। जिसमें रेस्पॉन्स टाइम में ऐड होगा बैकिंग का प्रोसेसिंग टाइम एंड द नेटवर्क ट्रांजिशन। नेटवर्क ट्रांजिशन में जो टाइम डिले जाएगा आप क्लाइंट साइड रेस्पॉन्स को पहुँचने में, ऑटो पहले ऐड होकर आएगा रेस्पॉन्स टाइम में। तो यहाँ पे मिली सेकेंड में शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई कोई रिक्वेस्ट में 1000 मिली सेकेंड समथिंग ऐसे लिए हैं, 10,000 मिली सेकेंड्स एंड मैक्सिमम एवरेज। इन एवरेज केस, एवरेज केस में 490 500 मिली सेकेंड दे रहे हैं। यहाँ पे है नंबर ऑफ़ यूजर्स। नंबर ऑफ़ यूजर्स जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो इस टाइम में मैं स्टार्ट किया सिमुलेट करना इसको, तो इस टाइम में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अप होते जाते हैं। इसमें एक फंडा है कि कितने सेकंड में, हर सेकंड में कितने रिक्वेस्ट ऐड होते जाएंगे। जो यहाँ पे अगर एडिट यूजर में देखते हैं, एडिट यूजर में आता है नंबर ऑफ़ यूजर टू सिमुलेट, सिमुलेट यूजर कितने यूजर को सिमुलेट करना है, और स्वैप एंड रेट यूजर टू स्टार्ट पर सेकेंड और स्टॉप। मैं इसके स्वैप एंड रेट क्या होगा कि कितने यूजर पर सेकेंड ऐड करना है, या जो यूजर ऑलरेडी एडेड है उनको रिप्लेस करना है पर सेकेंड। तो ये दो फीचर हैं इसके। आगे आते हैं फेलोअर रेट। फेलोअर रेट तो देख चुके हैं यहाँ पे, जो भी एरर आएगा मोस्टली क्लाइंट साइड एरर आ रहे हैं। HTTP एरर 420, क्लाइंट एरर टू मेनी रिक्वेस्ट, इट्स सेइंग लाइक दिस ऑन दिस यू आर एल गोइंग टू मेनी रिक्वेस्ट। एंड एक और एरर आया है जो HTTP कनेक्शन पूल का है, ए पाइथन का एरर है जिसमें ए प्रोग्राम किया हुआ है। उसके बाद आते हैं गिट सम रेपो, इसमें भी 429 क्लाइंट एरर आया है कि इस पर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है इसके कारण। एक्सेप्शन में भी कुछ नहीं क्योंकि इसका लिखा नहीं गया एक्सेप्शन हैंडल, एक्सेप्शन हैंडल है सबका। और यहाँ पे एक और अच्छा फीचर है कि डेटा को डाउनलोड किया जा सकता है यहाँ पे, इधर CSV फॉर्मेट में। जो भी फेलोअर और जो भी रिक्वेस्ट हैं उन सबका स्टेटिस्टिक डाउनलोड किया जा सकता है। और एक डाउनलोड रिपोर्ट है, जो डाउनलोड रिपोर्ट करने पे वो इस तरह से आपका स्कैनिंग के ड्यूरिंग दिस टाइम इस URL पे यहाँ ट्रिगर किया गया है, और ये स्टेटिस्टिक है पर सेकेंड लाइक दिस। तो उसके बाद आते हैं कि मैंने इसको रन करने के लिए लिखा क्या है। इंस्टॉलेशन मैं बाद में जाऊंगा, पहले इसका देख लेते हैं कि इसके लिए मैंने लिखा क्या है। तो इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक सैंपल स्क्रिप्ट है जो मैंने इसके रेपो से लिया है। सैंपल स्क्रिप्ट है जिसमें मैं लाया, इसको इंपोर्ट किया हूँ HTTP यूज़र बिटवीन टास्क दीज आर थ्री मॉड्यूल्स। होस्ट नेम अगर यहाँ पे आप एंट्री देते हैं तो वैसे भी जब आप रन करेंगे सर्वर को तो उस टाइम में आपको होस्ट नेम पूछा जाएगा अगर यहाँ पे एंट्री देते हैं तो, नहीं तो यहाँ पे होस्ट नेम दे सकते हैं। वेट टाइम दिए कितना, हर यूज़र पे कितना वेट टाइम रहेगा, 10 seconds और 60 बिटवीन 10 seconds टू 60 seconds, दिस विल बी रैंडम बिटवीन 10 to 60। उसके बाद ये जो है वेट, सेल्फ वेट को कॉल करेगा वेट करने के लिए हर रिक्वेस्ट से पहले, और उसके बाद ये क्लाइंट गेट इस URL को कॉल कर रहा है और एक URL को बैक टू बैक। अगेन यहाँ पे 20 न्यू टास्क क्रिएट किया हुआ है, जो टास्क ऊपर से इंपोर्ट किया गया था 20 न्यू टास्क क्रिएट किया जा रहा है हेलो वर्ल्ड एक मैं जो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये फिर से सेम बोथ URL को कॉल कर रहा है, तो टू टाइम्स यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। ये सिंपल स्क्रिप्ट है, यहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे जस्ट मैंने लिया है URL को जस्ट रिप्लेस किया है क्योंकि एग्जांपल में सोकर इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा था। तो अभी मैं इसको स्टॉप करूँगा और स्टार्टिंग से इंटरफेस दिखाऊँगा कि इसका इंटरफेस क्या है। जब इसको स्टॉप करूंगा तो इसका यहाँ भी एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा कि ये रिपोर्ट क्या है, यहाँ पे क्या आया है। उसके बाद एक ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे,
लॉकस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसको मैं रन कर रहा हूँ माइनस एफ ऑप्शन के साथ। फाइल नेम, ये फाइल नेम रिप्रेजेंट करता है फाइल नेम, फाइल इनपुट के लिए, फाइल इनपुट दिया यहाँ पे। तो ये एक्चुअली स्टार्ट कर लिया है इस पोर्ट पे कॉल फॉर पब्लिक आई पी ऑल्सो बिकॉज इट्स स्टार्टिंग विथ 0.0.0.0। सो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पूछा जाएगा हमको कि नंबर ऑफ सिमुलेट, कितने यूजर को सिमुलेट करना चाहते हैं, या स्वतंत्र रेट क्या रहेगा और होस्ट क्या है। होस्ट अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे अगर कॉम कर देते हैं, और यहाँ पे अगर 500 करते हैं, स्वतंत्र रेट कर देते हैं 50 यूजर पर सेकेंड, तो स्टार्ट कर लेगा। यहाँ पे कॉम कर लिया, होस्ट को चेंज कर लिया, ऑटोमेटिक होस्ट को चेंज कर लिया और ये स्टार्ट कर लिया। तो अब ये डिफरेंट यूआरएल को चला गया, यूजर को इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये यूआरएल डेफिनेटली इस साइट पे डेफिनेटली ये यूआरएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए मोस्टली फेलुअर ही आएगा, फेलुअर आएगा, 404 आएगा एरर, क्योंकि यहाँ पे इस साइट पे एक यूआरएल एग्जिस्ट करता है और एक यहाँ पे ब्लॉग्स यूआरएल भी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे ट्विट रेपो यूआरएल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ से कॉल करते जाएगा। अभी आते हैं जो मेरा फेलुअर रेट है उस चीज़ के कारण में। तो फेलुअर रेट मेरा आता है यहाँ क्लाउड पेयर के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चेक इनेबल्ड है और अटैक मोड, अटैक अगर मैक्सिमम फ्लडिंग हो रहा है तो सब फिल्टर होगा। तो उस केस में यहाँ क्या होगा कि वो एक फिल्टर करना चालू कर देगा कि यहाँ पे अनवांटेड यूजर आएंगे, आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्टर करना चालू करेगा, अगर इस एक रेट लिमिट के अनुसार ये फिल्टर करेगा, और यहाँ से अगर बाईपास होता है तो बैकिंग में जहाँ पे सर्वर, यहाँ क्योंकि देखते हैं कि 60 के 60 यूजर है, यानी कि टोटल रिक्वेस्ट यहीं पे फिल्टर हो चुका है। लेकिन मैं एक दूसरे एप्लीकेशन में टेस्ट किया था इसको, तो वो डायरेक्टली सर्वर को हिट कर रहा था, क्योंकि उसका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं था और वो सर्वर को डायरेक्टली हिट कर रहा था। अभी आते हैं इसके इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन के लिए ये इसका रिक्वायरमेंट है कि पाइथन 3.6 और उससे आगे होना चाहिए, और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। पाइथन अगर इंस्टॉल्ड है सिस्टम पे तो आप डायरेक्टली पिप थ्री इंस्टॉल लोकस्ट कर सकते हैं। एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं माइनस वी कौन सा वर्सन इंस्टॉल्ड है, माइनस कैप्स की, माइनस कैप्स की, तो ये दिखाया कि वर्सन 1.6 इंस्टॉल्ड है। फिर देख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, बिच लोकेशन शो कर रहा है कि यूजर बीन में है, यूजर बीन में, क्योंकि मैं यहाँ पे एक सिंबॉलिक सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया हूँ। एक्चुअली ये पाइथन 3 के फोल्डर में इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे उसके अंदर में जो पैकेजेस हैं उस वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो वहाँ इसके बीन फोल्डर से एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया हुआ है यूज़र बीन में, सो यहाँ से हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं, ऐसे कमांड को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ये बेसिक इंस्टॉलेशन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, मोस्टली 5 to 10 मिनट्स जाएगा इंस्टॉल करते। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, इंस्टॉलेशन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं। क्विक स्टार्ट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, क्विक स्टार्ट करने के लिए वेट टाइम बहुत कम रखे है, 1 to 2.5, दैट्स वेरी लेस। राइटिंग लोकस्ट फाइल, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में और एक्सप्लेनेशन है कि क्या मतलब जो इंपोर्ट हुए हैं उसका क्या यूसेज है, क्या नहीं है, वेट क्या देना है, यहाँ तक कि फिर से आप जो एजेंट है, यूज़र एजेंट, जैसे कि हम व्यू करते हैं जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे, तो एक यूज़र एजेंट जाता है रिक्वेस्ट में। फॉर एग्जांपल कि अभी करता हूँ यहाँ पे, इसके अगर यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, इस फाइल को देखते हैं, तो यहाँ पे एक यूज़र एजेंट जाएगा, यहाँ
वेबसाइट में ले जाएगा, तो यूजर एजेंट लाना चाहिए, या यूजर एजेंट आप देख सकते हैं, यूजर एजेंट मोजाइला फायर मैकेंटोस, तो एक यूजर एजेंट जाता है तो यूजर एजेंट भी चेंज कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस की जो बैकिंग साइट होता है, जहाँ जिधर से वेब सर्वर रन होते रहता है, वहाँ पे यूजर एजेंट को भी फिल्टर किया जाता है एज अ बोट, की बोट ज़्यादा क्रॉल नहीं कर पाए यूआरएल को, इसके लिए फिल्टर किया जाता है, उसको भी बाईपास करने के लिए यहाँ पे एजेंट भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फिग ये सब, यहाँ पे जो राइटिंग लॉकटस फाइल है, यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं कि प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं, एचटीटीपी प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, टास्क जो आप अभी जस्ट एग्जांपल देखें। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे हेल्प देने पे यहाँ पे मिल जाएगा, जो मैं एक सिंपल ऑप्शन यूज कर रहा था इस फाइल को रन करने के लिए, जो एग्जाम्पल डॉट पी वाई करके फाइल एक्सटेंशन के साथ रहेगा। और यहाँ पे लॉगिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि जब हम रन कर रहे हो तो जो भी रन हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे लॉग होना चाहिए। तो अभी अगर हम यहाँ पे लॉगिन लगाते हैं, मैं सिस्टम का यूज़ कर रहा था सिस्टम को लॉक करने के लिए, यहाँ से लाइक दैट प्रिंट, लॉगिन इन, आई एम जस्ट कॉपिंग द लिंक, आई एम टू लेजी। Task team, and here if I put this because I have import the login, running task sample, so it will start printing in the log section. Like here, it will start printing. You can see, yeah, it will print like this. It will print like this in login section. So this is a good tool, and it's good to simulate the load of the web application where you are being asked to give the estimation of the infrastructure to host the application or to run the application. So you can simulate on the development, simulate it in development phase on running on minimum configuration. That will give a better result, like where my application is failing, and you will also get idea like the blockage of the application. And once you identify these blockages and you optimize, your application will be dazzling fast and it will be stable to run in production. And that's it. Thank you for watching.